हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो हमने जो टॉपिक इस सत्संग के लिए चुना है उसका नाम है भाग्य महत्वपूर्ण है या प्रयास, दोनों में से कौन सा महत्वपूर्ण है और हमें इन दोनों में से किसको किस प्रकार से लेना चाहिए। तो जिस तरह से आप सब सत्संग में यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे आने का प्रयोजन क्या है, एक तो भक्तों का संग प्राप्त करने और हमारे आध्यात्मिक उन्नति। तो यहाँ पे सत्संग जो होता है उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है और हमारे जीवन का जो मूल जो आनंद है जो हम बाहर दुनिया में ढूंढते हैं वहाँ पे जो असली आनंद है वो हमें सत्संग में प्राप्त होता है। तो सत्संग में क्या होता है, तो भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान के नाम रूप लीला का कथन, श्रवण और कीर्तन, तो उससे हमारे आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो इसमें अभी हम देख सकते हैं कि भाग्य और प्रयास हमारे जीवन में किस तरह से, हमें उसको किस तरह से देखना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो यहाँ पे सबने तो मालूम होगा भाग्य या नसीब, सबने सबको मालूम होगा कि क्या होता है। तो भाग्य यानी क्या है, हमारे जो पूर्व जन्म के जो कर्म है उसका फल जो होता है, हमें उसको भोगने के लिए या उसको हम प्रारब्ध भी कहते हैं, तो हमें जो जन्म लेना पड़ता है तो भाग्य के रूप में हम लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सोच सकते हैं कि अगर सब कुछ भाग्य से होता है तो प्रयास क्यों करना है, है ना? तो भाग्य और प्रयास जो होता है तो किस तरह से होता है आज हम देखेंगे। तो उसके लिए पहले एक कथा आती है, वो कथा हम देखेंगे कि किस तरह से हमें भाग्य और प्रयास को देखना चाहिए। तो उसमें यहाँ पे दो भाई रहते हैं, तो दोनों भाई में से एक भाई जो है वो डाकू होता है और दूसरा सज्जन होता है। तो वहाँ पे पत्रकार जो उसी शहर में रहता है तो वो जानना चाहता है कि ये दोनों भाई हैं एक ही घर में से, एक डाकू बना है और दूसरा सज्जन, तो क्या उसका क्या कारण है। तो ठीक है, वो जो पत्रकार होता है तो वो जाता है पूछने के लिए। तो डाकू जो रहता है वो तो क्या कहाँ पे रहेगा, जेल में रहता है। तो जेल में जाता है तो उसको पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे जीवन में तुम डाकू बन गए। तो उसने कहानी सुनाई कि बचपन से यहाँ पे मेरा जो घर था, मेरा परिवार था, यहाँ पे क्या है बहुत दरिद्री थी, गरीबी थी, और मेरे जो पिताजी थे यहाँ पे वो हमेशा दारू पीते थे, जितना भी पैसा मिलता है उससे ऐश करते थे, घर में आते थे। मेरी माताजी उनकी भी पिटाई करते थे, मेरी भी पिटाई करते थे। तो यहाँ पे इस तरह से उसका ये जो जीवन है उससे हम त्रस्त हो गए थे। तो मैंने सोचा कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो हमारे दरिद्रता के कारण हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, मुझे बहुत पैसा कमाना चाहिए। तो पैसा मिला तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे बचपन से ही थोड़ी थोड़ी चोरी करना शुरू कर देता है, तो चोर से पैसे आने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही चोरी करते करते छोटी छोटी उसे पैसे आने लगते हैं, तो वो भी बड़ी बड़ी चोरी करने लगते हैं। तो इस तरह से वो आगे जाके बड़ा डाकू बन जाता है और फिर
हम सबको मालूम है कभी ना कभी तो डाकू पकड़ा जाता है, तो इस तरह से उसकी उसकी शिक्षा उसको मिलती है। तो फिर बाद में वो सज्जन के पुरुष के पास जाते हैं, जो उसका भाई रहता है उसके पास जाता है, उसको पूछता है अरे ऐसा तुम्हारा भाई तो यहाँ पे डाकू नहीं लगे, तुमने ऐसा क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा किया तुम सज्जन बन गए। तो उसने भी वही स्टोरी बताई कि हमारे घर में दरिद्रता थी, मेरे पिताजी गरीब थे और बहुत शराबी थे, घर पे आके त्रस्त करते थे सबको, तो इसलिए मैंने सोचा जीवन में कि जो यहाँ पे परेशानी मेरे जीवन में मेरे घर वालों को हुई है, मुझे हुई है, मेरे परिवार को हुई है, या कष्ट जो उनसे मिला है, मैं कष्ट किसी को भी नहीं दूंगा। और वो इस तरह से सोचता है और उस तरह से अपना प्रयास करता है और उस तरह से आगे जाके एक भला आदमी बन जाता है। तो यहाँ पे इस कथा से हम सुन सकते, यहाँ पे सीख सकते हैं कि दोनों का घर एक ही है, जन्म लेना एक ही घर में जन्म लेते हैं, एक ही माँ के गोद से जन्म लेते हैं, दोनों का समय भी एक होता है, स्थान भी एक होता है, तो ऐसा होने के बावजूद भी क्या है, दोनों में क्या है, विचारों का अंतर है। एक ने विचार किया कि मुझे पैसा कमाना है और उस तरह से कार्य किया, दूसरे ने विचार किया कि मुझे जो भी कुछ कार्य करूंगा उससे दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं हमारे जीवन में जो जो चीज़ें आती हैं हमें उसको जिस तरह से हम लेंगे उस तरह से हमारा भवितव्य निर्भर होगा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि भाग्य और प्रयास जो है, अगर हम कभी कभी सब लोग बोलते हैं कि भाग्य के ऊपर ही सब कुछ होता है, अगर भाग्य खराब है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर भाग्य सब कुछ है तो प्रयास करने की जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप हो रहा है तो कुछ प्रयास करने की आवश्यकता वैसे नहीं है। तो यही कथा, ये जो प्रश्न है ये मत्स्य पुराण में यहाँ पे शत्रुघ्न मुनि यहाँ पे भगवान को पूछते हैं कि यहाँ पे भाग्य और प्रयास उसमें से कौन शक्तिशाली है, भाग्य शक्तिशाली है या प्रयास शक्तिशाली है। तो उस वक्त भगवान उनको उदाहरण देते हैं, अब हम सबको भी ये कथा मालूम है, किसान की कथा यहाँ पे वो सुनाते हैं। तो वो बोलते हैं कि भाग्य प्रयास और उसके साथ और एक चीज़ है वो भी महत्वपूर्ण है। तो किसान का उदाहरण कैसे होता है, अगर किसान ने ज़मीन में अगर बीज बोया तो उसका क्या है, वो प्रयास है, वो प्रयास कर रहा है, और अगर बारिश हो गई बीज होने के बाद अगर उस फिर धान आ गया तो फिर हम उसको कहते हैं कि बारिश जो है वो किस रूप में है, भाग्य के ऊपर है। तो अगर वो किसान ने बीज बोया ही नहीं और घर पे आराम करने लगा तो यहाँ पे खेत जो है खेत में कुछ आएगा ही नहीं। दूसरा अगर हम उसका उल्टा देखेंगे कि उसने अगर बीज बोया भी, उसका प्रयास भी किया लेकिन बारिश नहीं आई तो क्या हो गया, तो उसका भाग्य नसीब नहीं था और इसलिए फिर यहाँ पे वो यहाँ पे खेत में कुछ आएगा नहीं। उसके और उसके बाद भी और एक चीज़ यहाँ पे है, वो क्या है, काल। अगर उसने बीज भी रोया, बारिश भी गिरा लेकिन कुछ पौधे आने के लिए या खेत फूलने के लिए कुछ समय जाता है, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, तो एक काल बहुत महत्वपूर्ण है। तो काल क्या है, हमारा धैर्य। तो धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो अगर धैर्य है तो हम कोई भी चीज़ या कोई भी हमारा जीवन में अगर कोई प्रसंग आए तो हम उसको सामना कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ हम सब समझ सकते हैं कि ये जो प्रश्न है कि भाग्य और प्रयास इसमें कौन शक्तिशाली, ये जो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे जीवन में है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हमारा भौतिक जीवन संसार में इतना लगा है कि हम ये प्रश्न के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो उसके और आगे गए तो यहाँ पे और एक प्रसंग में राम भगवान और वशिष्ठ ऋषि, उनकी यहाँ पे प्रसंग आता है, तो वहाँ पे उनका कन्वर्सेशन होता है। तो उसमें वो कहते हैं कि ये जो भाग्य
का एक पेड़ होता है और एक प्रयास का पेड़ होता है, दो पेड़ है। तो दोनों का जो फल है वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे हम कुछ पेड़ लगाया, जैसे आम का पेड़ लगाया तो हमें आम की इच्छा होती है, केला का लगाया तो केला खाने की इच्छा होती है, या केल हमें उससे चाहिए रहता है। तो इस तरह से भाग्य और जो प्रयास है दोनों के फल जो है वो अलग अलग होते हैं। इस उसका उदाहरण भी हम देख सकते हैं। अगर हम कुछ बहुत प्रयास करते हैं, कहते हैं ना कि ये मेरा एक्चुअली आज मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो उसमें क्या है, अगर हमारा भाग्य हमारे प्रयास से शक्तिशाली है, हमारा भाग्य हमारे प्रयास से शक्तिशाली है, हम दुर्भाग्य कह सकते हैं, तो हम कितना भी प्रयास किया तो हमारी चीज़ों हमारा उसका जो फल है मिलने वाला नहीं है। उसका उल्टा, अगर हमारा प्रयास अगर हमारे भाग्य से ऊपर है, शक्तिशाली है, तो फिर क्या होगा, हमारा फल अच्छा होगा। उसका उदाहरण देख सकते हैं, कुछ कुछ दिन हम प्रयास एकदम कम करते हैं, जैसे बहुत सारे अनुभव होगा हमारे कि कुछ प्रयास न करने के लिए हमें, हम कहते भी, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया लेकिन मेरा काम हो गया। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि ये चीज़ें जो है, जैसे कुछ और एक उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है वो गरीब परिवार में जन्म लेता है, कोई बच्चा अमीर परिवार में जन्म लेता है। जो अमीर परिवार में जन्म लेता है तो उसको बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है, तो उसका क्या है, वो प्रारब्ध है, उसका भाग्य है। और जो गरीब परिवार में जन्म लेता है उसको वो जो चीज़ें हैं उसका कष्ट उसको उठाना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमने भाग्य प्रयास देखा। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे भगवान। तो अगर भाग्य भी सब कुछ हो रहा है, प्रयास से भी सब कुछ हो रहा है, तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता है। तो भगवान का कहाँ पे यहाँ पे रोल होता है, हम यहाँ पे समझ, भगवान की भक्ति फिर क्यों करनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर उसके बारे में बताते हैं। तो उसका उसके उदाहरण के लिए बताते हैं, अगर एक बैल है, बैल के गले में अगर मैं दूरी बांध देता हूँ और उसको एक रस्से से बांध देता हूँ यहाँ पे खूंटी से, तो कोई कहेगा कि बैल स्वतंत्र है करके, तो उसको तो बंध देते। हमारा भी जीवन ऐसा ही है, हम क्या है, कर्म के बंधन से सब लोग फंसे हुए हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम स्वतंत्र है। तो ये जो दूरी है वो क्या है, वो हमारा भाग्य है, भाग्य की तरह है। तो हमारे जीवन में जितना हमें मिलने वाला है उतना तो मिलने वाला ही है, तो हमें हमारे प्रयास जो है वो हम कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई है और पाठ बताते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में हमें ये मालूम नहीं है कि हम स्वतंत्र हैं या बंधे हुए हैं। यही हमारे दुख का कारण है मेन चीज़। हमें लगता है हम स्वतंत्र हैं और इसलिए हम प्रयास करते हैं, सुख की खोज में जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा दुख ही मिलता है। तो यहाँ पे कर्म का सिद्धांत यहाँ पे रूपा जी बताते हैं कि जिस तरह से हम कर्म करेंगे उस तरह से हमारा फल मिलेगा। तो भगवान जो है यहाँ पे, कुछ भगवान ने, हम जब जीवन जीते हैं तो प्रकृति ने भगवान की अध्यक्षता में जो कार्य करते हैं उसके लिए कुछ नियम बनाया है। तो यहाँ पे इस भौतिक जीवन में अगर हम देखते हैं कि कानून के जो नियम हैं हम उससे भाग सकते हैं, लेकिन भगवान ने जो प्रकृति बनाई है उसके नियम से हम कभी भी भाग नहीं सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे बताते हैं एक उदाहरण के लिए कि हमारी जो परछाई होती है, जो परछाई हमारा कभी साथ छोड़ती है क्या, जहाँ पे जाओ परछाई हमारे साथ में होती है। तो इस तरह से जो भाग्य है हमारे हमेशा साथ में रहेगा, तो हम किसी भी परिवार में जन्म लो, हमारा जैसे जिस तरह से एक और भी उदाहरण आता है ना, एक गाय जो होती है उसको उसका वासरू बोलते हैं मराठी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, बछड़ा। तो क्या होता है, कितना भी यहाँ पे कितनी भी गाय हो बराबर अपने माँ को ढूंढ लेता है। तो इस तरह से ये जो भाग्य है हमारा वो हमारा कभी भी
पीछा नहीं छोड़ा। हम कितना भी भागने का कोशिश कीजिए तो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमें समझ लेना चाहिए कि संसार में हमें एक ही चीज इन सबसे छुड़ा सकती है, वो क्या है? भगवान की शरणागति। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को भी, मन मना भव मत भक्तो मध्याजन्म नमस्कार। तो अगर हम इस जीवन में भगवान की शरण में आए तो ही हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने वाले हैं, अन्यथा बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने वाले हैं। तो क्यों हमारा ये भाग्य जो है वो प्राप्त के रूप में हमें क्यों होता है? क्योंकि हमारे कर्म जो होते हैं उसके फल, वो फल के कारण हमें जन्म मिलता है। और भौतिक संसार में मनुष्य यही भूल जाता है कि इस जीवन में वो कितना भी सुखी रहने का प्रयास कीजिए, लेकिन ये जीवन में जो चार मुख्य दुख है वो क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो आप कितनी बार भी जन्म लीजिए, आपको चार दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर ये चार चीज़ों का आपको सामना करना ही है तो आप सुख कैसे हो सकते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्रभुपाद जी बताते हैं। तो हमें इससे छूटना है, जन्म मृत्यु, जन्म तो जरा व्याधि के चक्र से। अगर हम उससे छूट जाएंगे तो ही यहाँ पे हमें फिर से बारंबार संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें भगवान की शरणागति चाहिए। जैसे ब्रह्म संहिता में आता है ना, कर्माणि दहति भक्ति भाजाम, ब्रह्मा यहाँ पे ब्रह्म संहिता में आता है। तो अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, भगवान के भक्तों के संग में यहाँ पे भगवान के नाम रूप लीला उनका अगर हम श्रवण कीर्तन करेंगे तो निश्चित ही हम हमारा यहाँ पे जो असली दुख का कारण है उससे हम बाहर आ सकेंगे। तो यहाँ पे और एक सुंदर कथा आती है, लास्ट में बताऊंगा, उसके बाद हम यहाँ पे कीर्तन करेंगे। तो यहाँ पे किसान होता है एक राज्य में, तो उसके खेती में यहाँ पे घोड़ा अचानक से आ जाता है। अच्छा घोड़ा तो क्या होता है, किसान उसको पकड़ लेता है, बांध कर रखता है। और फिर बाद में गांव वाले आते हैं, गांव वालों को पता चलता है ये किसान के घर में अभी घोड़ा आ गया है। तो बोलता है कि किसान तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए अहो सौभाग्य वो तुम्हारा। तो किसान भगवान का भक्त रहता है, वो कहता है क्या सौभाग्य क्या दुर्भाग्य, सब एक समान है। तो गांव वाले सब बोलते हैं कैसा आदमी है, इतना अच्छा घोड़ा है, और बोलता है हमेशा निराशावादी रहता है, बोलता है क्या सौभाग्य क्या दुर्भाग्य। तो फिर कुछ दिन जाते हैं, उसका लड़का घोड़े के ऊपर सवार होता है, तो सवारी करनी होती है उसको, और कुछ यहाँ पे सवारी करने बैठते हैं तो घोड़ा थोड़ा सा तेज भागता है और उछलता है तो लड़का गिर जाता है, गिराने उसको चोट लगती है। तो फिर से गाँव वालों को पता चलता है अरे तो घोड़े पर चढ़ा था गिर गया। तो फिर जाता है उसके पास, अहो दुर्भाग्य दुर्भाग्य तुम्हारा। तो फिर से किसान वही बोलता है क्या सौभाग्य क्या दुर्भाग्य। बोले क्या आदमी, बोले इतना इसको लगाए इतना बच्चे को और बोल रहा है क्या सौभाग्य क्या दुर्भाग्य। और कुछ दिन चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, दूसरा राज्य होता है, तो दूसरे राज्य का जो राजा है उनके राज्य पर आक्रमण करता है। और फिर यहाँ पे तो राजा होता है तो क्या करते हैं, जितने भी युवा यहाँ पे रहते हैं उन सबको युद्ध में बुला लेते हैं। अभी उसको तो चोट आ गई है तो जा नहीं सकता है वहाँ पे। तो फिर से आ जाते हैं सब लोग, बोलता है अरे अच्छा हुआ तुम्हारा तो अहो सौभाग्य तुम्हारा बच्चा बच गया। तो फिर से वो वही कहता है या हो क्या सौभाग्य क्या दुर्भाग्य, सब कुछ एक समान है। तो इस तरह से हमारे जीवन में भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुख वो भी आएगा, कुछ दिन रहेगा चला जाएगा, दुख भी आएगा कुछ दिन रहेगा चला जाएगा। तो हमारे हाथ में क्या है, सुख को आया तो उसको ज़्यादा उछलना भी नहीं चाहिए, दुख आया तो दुखित भी नहीं होना चाहिए, उसको सहन करने की शक्ति चाहिए। तो सुख का उदाहरण क्या दिया है, वहाँ पे उन्होंने एक बाहर के देश का उदाहरण है। तो उस देश में एक आदमी रहता है, उसको लॉटरी लग जाती है करोड़ रुपए की। तो जब उसको पता चलता है कि उसको लॉटरी लग गई है तो इतना हर्षित हो जाता है, इतना उछलने लगता है, इतना आनंद होने लगता है कि उसको अटैक आ जाता है और वो मर जाता है।
तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हमें अगर सुख आया भी हमारे जीवन में तो इतना भी सुखी नहीं होना चाहिए कि हमें अटक जाए और अटक के मर जाए। तो सुख आया तो भी उसको हमें उसी तरह से लेना चाहिए जिस तरह से हम दुख लेते हैं, क्योंकि संसार में कोई भी चीज़ यहाँ पे शाश्वत नहीं है। एक ही चीज़ शाश्वत है, वो भगवान की भक्ति, वही हमारे साथ आने वाली है। तो यही ये जो कथा थी और ये आज का जो हमारा टॉपिक था उसका सारांश था। तो यहाँ पे मैं रुवानी को पूरा पूर्ण विराम देता हूँ और अभी यहाँ पे 15-20 मिनट संकीर्तन होगा और उसके बाद में सबके लिए प्रसाद होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब लोग हाथ एक बार ऊपर कीजिए और मेरे पीछे बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आखिरी बार जोर से हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।